सो हाय फ्रेंड्स, आज हम ग्राइड ऐप के बारे में ऑल जानकारी देंगे, पूरा जानकारी देंगे। आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, एंड कैसे स्केच कर सकते हैं, चेक्स बना सकते हैं, तो पूरा जानकारी देंगे। तो पहले हम प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए हमको ग्राइड ड्राइंग लिखना पड़ेगा। आप ये लिख देंगे तो आपके होम स्क्रीन यानी प्ले स्टोर स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए भाई, ग्राइड ड्राइंग, लिखकर सर्च करने के बाद आप देखेंगे दूसरे ही नंबर पे आ गया है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हमारा हो गया है, इसलिए हम इसको ओपन कर लेंगे। आप डाउनलोड करने के बाद ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो दिया है A4, A5, A2, जैसा आप रखना चाहते हैं। सर हम A4 पर ही बनाएंगे। तो गैलरी से फोटो अपना चूज कर लेंगे, एल्बम पर ओ हमको ये मर जावा मूवी का सीन इन पोस्टर आर्ट करना है, इसको हम चूज कर लेंगे। इसके बाद हम इसको क्रॉप कर ओके कर देंगे। क्रॉप हो गया हमारा भाई, ऐसे क्रॉप करने के बाद ओके कर लेंगे। सो हो गया, इसके बाद क्रॉप पर ओके कर देंगे। तो देखिए हो गया, इसका जो चेकसिंग दिया है अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो इसको हम ये जो दिया है उस नंबर पर ओके करेंगे। तीन बड़ा करने छोटा गया, चेक्स को अगर छोटा बड़ा करना है तो इस पर ओके करेंगे। एंड ये नंबर दिए जिसको नंबर कम लिखेंगे तो ज़्यादा चेक्स छोटा छोटा हो जाएगा, नंबर ज़्यादा लिखेंगे तो बड़ा चेक्स में होगा। देखिए हम नंबर कम लिखे तो इतना ज़्यादा चेक्स छोटा छोटा हो गया भाई। उसके बाद अगर नंबर ज़्यादा लिखेंगे तो बड़ा चेक्स होगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं 60, ओके करते हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा चेक्स हो गया। ठीक, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। आप अगर इसको नॉर्मल है तो देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये हो गया। आप इफेक्ट भी यहाँ चूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ये देखिए भी अच्छा है, इसलिए हम नॉर्मल नहीं ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा यूज करना चाहिए, जिससे आर्ट का शेडिंग करना हो पेंसिल से स्केचिंग शेडिंग तो ब्लैक एंड वाइट से ही ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, हम भी यही प्रयोग करते हैं भाई। इसके बाद अगर आपको ये चेकसिंग जो दिया है एसएस का कौन से मिला कर करना हो, ये दिया है, ठीक देखिए ऐसे ही यूज करना चाहिए, लॉक हो जाएगा। ये लॉक दबाने पर आपका फोटो हटेगा नहीं, बनाने में आसानी होता अगर बना। सो देखें लॉक हो गया है हमारा, अब इसको करेंगे अनलॉक तभी ये फोटो आपका होगा। इसके बाद आपको देखेंगे अगर इसको फोटो को अगर दूसरा फोटो सेव करें तो लिस्ट इमेज पर आपको ओके कर देना है। जो दिया लिस्ट इमेज डिलीट पर ओके करके ओके कर देंगे। इसके बाद इस ऐप को ऐसे कर लेंगे। इसके बाद अगर फिर दूसरा फोटो लगाना है ऐप को ओके करेंगे ओपन, उसके बाद कोई दूसरा फोटो चूज कर लेंगे। ठीक, सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। जैसे कि देखिए नहीं, ये तो हमारा फ़ोटो सब सेव करिए थे, इसको डिलीट करेंगे दूसरा फ़ोटो। ओ हाँ समझ लिए, गैलरी पे ओके कर देंगे। जो फ़ोटो चूज करना है आपको दूसरा फ़ोटो उसको कर लेंगे। जैसे कि हमको ये है, ये वाला फ़ोटो बनाना है, समझ लीजिए इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद इसको ओके करने के बाद देखिए हो गया। अगर इस फ़ोटो को सेव करना है ब्लैक एंड वाइट में हमारा है, अब फोटो को सेव करने के कितना अच्छा लुक लग रहा है। इसको अगर फ़ोटो को चूज ऐप फोटो को सेव करना है तो नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया है,
सेव वाले पे ओके करेंगे तो आपका गैलरी में चल जाएगा। ठीक, देखिए कर दे रहे हैं सेव, देखिए सेव हो गया। अब जाकर गैलरी में देखेंगे, आपका गैलरी में फ़ोटो आ जाएगा भाई। देखिए एल्बम पर ओके, एंड देखिए वो फ़ोटो आ गया सेम हुई है। देख लीजिए भाई, फ़ोटो आपका सेव हो जाएगा, देख सकते हैं अगर भरोसा नहीं तो। देखिए ये फ़ोटो सेम हुई है, आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। और बता दे रहे हैं आपको, ये हो गया सेव। और ये हो गया भाई। आलो उसके बाद आपको चेक सिंक के बारे बताएंगे, आप कैसे चेक्स बना सकते हैं। ये वाला चेक जो मोबाइल में दिया पूरा इसमें उतारना है चेक्स, तो उसके लिए आपको पहले पेपर को मापना पड़ेगा, आपका जो ड्राइंग पेपर है उसको मापना पड़ेगा, कितना लंबाई कितना चौड़ाई है। हमारे इस पेपर का लंबाई 27 है एंड चौड़ाई 22 है। ठीक, 22 चौड़ाई और 27 लंबाई है। पहले पेपर को आप माप लीजिएगा, उसके बाद देखना है मोबाइल में कितना है चेक्स। उसके लिए आपको एक कापी लेना पड़ेगा, उसमें पहले आपको देखना पड़ेगा कितना लंबाई और चौड़ाई होगा। पहले देखिए, तो हमारा लंबाई है कितना, लंबाई लंबाई है हमारा लंबाई पेपर का 27। ठीक, जो पेपर का लंबाई होगा उसको अंदर करेंगे, मोबाइल में जो लंबाई दिया कितना है, 8, ये 7 1 8, 8 है इसमें लंबाई मोबाइल में। तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने से देखिए 8 से भाग देंगे कितना होगा, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 हो गया। उसके बाद घटाएंगे, 7 में से 4 जाए 3 और 7 0, उसके बाद देखिए ये हमारा, उसके बाद देखिए लंबाई जैसे हो गया 3 सेमी है ना, 3 3 सेमी पे आपको मारना पड़ेगा। देखिए 3 सेमी 3 सेमी ऐसे मार सकते हैं, अगर 3 आपको शेष बचा, देखिए ऐसे आपको 3 3 सेमी पर मारना पड़ेगा। और देख सकते हैं भाई, उसके बाद तीन तीन सेमी पर। ठीक, उसके बाद आपको अगर 3 सेमी हो गया, ठीक 3 सेमी पर मारेंगे और देख ले रहे हैं, अगर जो 3 शेष बचा है हमारा पेपर में, 3 सेमी हमारा बच जा रहा है, ये शेष भी ना नहीं, हाँ 3 सेमी वो हमारा बच जाएगा। इसके लिए हमको करना पड़ेगा 3 से, देखिए इस जो है स्केल, स्केल जो दिया देखिए, देख ले लीजिए, देख लीजिए ये 27 यानी 8 3 24 हो गया। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 10 20 30, 30 आपका छोटा छोटा जो लाइन है वो बचेगा, उसको हम तब 30 उतार लेंगे एंड 8 से ही भाग देंगे। 8 से भाग देने पर कितना आएगा, 8 3 24, यानी कि 8 3 24 वही बचेगा और लास्ट में 6 आपको बच जाएगा। ठीक, और लास्ट में 6 आप पेपर में छोड़ देंगे। इसके लिए आपको यानी 3.3 का चेक्स करना पड़ेगा, 3.3, देखिए 3.3 जो छोटा छोटा चेक्स होता है वो स्केल में छोटा छोटा लाइन ऐसे बता रहे हैं, जैसे देखिए यह 1 2 3, 3.3, ये 3.3 इंच कर, हाँ 3.3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 6.6 करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ऐसे हो जाएगा आपको 9.9। ठीक,
ऐसे आप कर लेंगे। उसके बाद भाई चौड़ाई माप कर लेंगे, चौड़ाई को हो गया, चौड़ाई कितना है हमारा 22, पेपर में अब भाग देना पड़ेगा 8 से, ठीक 22 8 से भाग देंगे तो आएगा, नहीं 6 है, 6 है इसमें, सॉरी भाई 6 है, तो 6 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18 है इसमें, हमारा भाग रहे 4, तो वही सेम होगा 3.3 ही, जो उसमें चक्स होगा इसमें ही ऊपर 3 आया, तो हमारा समझ लीजिए बराबर है, ठीक। उसके बाद हम सो इसके बाद ड्राइंग कॉपी पर चक्स बनाएंगे, देखिए इंच पटरी को से रख कर माप माप कर 3.3 बिंदी लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद 6.6 बिंदी लगा लिए, उसके बाद 9.9, ठीक। उसके बाद 9 × 3 = 13, 13.2, ठीक। उसके बाद 3 × 16 16.5, उसके बाद यहाँ लास्ट में लगा ले रहे हैं, ठीक हमारा चौड़ाई। सो इस और भी माफ कर सेम लगा लेंगे बिंदी 3.3, उसके बाद 6.6, 9.9, 9 × 3 = 13, 13.21, उसके बाद 16 सेम वही लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद हम चेक्स को खींच लेंगे, देखिए सेम मिलाकर ऊपर से जो बिंदी है और नीचे मिलाकर आराम से मारेंगे। सो पहले लंबाई को भी माप कर बिंदी लगा लेंगे, उसके बाद हम चेक्स मारेंगे इंची नहीं चेंगे। सो पहले वही सेम 3.3 6.6 वाला सेम मार लेंगे, जैसे चौड़ाई में मारे थे उसे बिंदी लगा ले रहे हैं। सो इस ओर हो गया, दोनों ओर सेम उसे कर लेंगे, दोनों ओर हो जाने के बाद अब हम चेक्स को मार लेंगे माप माप कर ऊपर से नीचे बिंदी को, आराम से स्कूल को मिलाकर आराम से स्कूल तो मार लेंगे, स्केल को मिलाकर आराम से दोनों ओर से बराबर मिलाकर। तो मिला कर मार लेंगे लंबाई चौड़ाई दोनों आराम से पूरा मिलाकर भाई, जितना सही से इसमें करेंगे उसके बाद आपका आर्ट भी उतना परफेक्ट बनेगा। बराबर मिलाकर मारेंगे, सो हमारा चेक्स बनकर तैयार हो गया। अब हम नंबर वाइज कर लेंगे, जैसे ऊपर मोबाइल में नंबर दिया है 1 2 3, ऐसे कर लेंगे 1 2 3, चौड़ाई हो गया भाई हमारा समझ लीजिए 6, ये हो जाएगा लंबाई। सो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताएंगे आउटलाइन कैसे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।